चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज रामगढ़ के सत्र 2021-23 के 15 सदस्यीय कार्यकारिणी के चुनाव में पंकज तिवारी गुट ने बाजी मारी है। चुनाव में पंकज तिवारी गुट के 13 और इंद्रपाल सिंह छावड़ा गुट के 2 सदस्यों ने जीत हासिल की। चुनाव में सबसे ज्यादा वोट गोपाल शर्मा को मिला। चुनाव परिणाम की घोषणा करते हुए चुनाव समिति के अध्यक्ष आनंद अग्रवाल ने कहा कि चुनाव में कुल 1199 मतदाता थे, जिसमें 895 सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतों की गिनती के दौरान 11 मत रिजेक्ट हुए। चुनाव में गोपाल शर्मा को 717, विष्णु पोद्दार को 702, मनोज चतुर्वेदी उर्फ मानू को 674, अमरेश गनक को 664, दिनेश कुमार पोद्दार 657, संतोष तिवारी 654, पंकज प्रसाद तिवारी 652, मुरारी लाल अग्रवाल 651, विनय कुमार अग्रवाल 649, नंदकिशोर प्रसाद 608, भूपेंद्र सिंह पप्पू 597, अमित कुमार सिन्हा 592, इंद्रपाल सिंह 580, अशोक कुमार सिंह 575 और इंद्रपाल सिंह छावड़ा को 552 मत प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें कि चुनाव की प्रक्रिया सुबह 10 बजे आरंभ हुई थी, जिसमें शाम 4 बजे तक कुल 1199 मतदाताओं में अंतिम समय 4 बजे तक 895 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पहला वोट चेंबर के पूर्व अध्यक्ष डीपी सिंह ने डाला। वहीं 5 महिला मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। शाम 4 बजे वोटिंग समाप्त होने के बाद मत पेटियों को सील कर दिया गया। और आखिरकार चुनावी परिणाम के तहत पंकज तिवारी गुट के 13 और इंद्रपाल सिंह छावड़ा गुट के 2 सदस्यों ने जीत हासिल की। जीत के बाद विजेता प्रत्याशियों ने जमकर जश्न मनाया। पूरे व्यापारियों का प्यार मुझे मिला, इसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। और सारे व्यापारी जिस उम्मीद से मुझे चुने हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनकी उम्मीद में मैं पूरा खरा उतरूं। आरसीसीआई के मेंबर हैं, उनका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने हमारे टीम के ऊपर विश्वास जताते हुए अपना बहुमत हमारी टीम के को दिया है, जिसकी वजह से हम लोग आज 13-2 की संख्या में चुनाव जीत करके चैम्बर में आए हैं। और हमने चुनावी दौरों के दौरान जो भी वादा किया है ना, जिसमें सबसे अहम वादा ये था कि रामगढ़ जिला के अंदर में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रियाडा के पास जो जमीन है वो आज समाप्ति की ओर है, लगभग खत्म हो चुका है, नए उद्योग की स्थापना नहीं हो पा रही है ना। इसलिए हम लोग सरकार से यह मांग करेंगे कि रियाडा का क्षेत्र बढ़ाया जाए, जमीन का और एक्वायर करके उद्योग नए उद्योग की स्थापना उस क्षेत्र में कराई जाए। आज हम लोगों की टीम सब में सिर्फ 2 ही हम लोग सदस्य इसमें आ पाए प्रत्याशी जीत पाए, और बाकी पंकज तिवारी टीम की जीत हुई, उन्हें बधाई, अच्छे से काम करें, चेंबर व्यवसायी जिसमें काम करें, क्योंकि हम लोगों की टीम पूर्ण नहीं थी, 9 लोगों की टीम थी, इस कारण हमारी टीम के प्रत्याशियों को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अच्छा पोजिशन से हमारे टीम के कई प्रत्याशी विजय हो गया। फिर भी सभी व्यवसायी भाइयों को, चेंबर सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना बहुमूल्य मत आशीर्वाद हम लोगों को दिया। अपने परिवार में हर दिन को स्पेशल बनाने के होंगे सबके अपने मौके। किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी और अपने ओकेजन को बनाएं यादगार और खास, क्योंकि अपने स्वाद और शुद्धता के लिए पिज्जा के दीवानों में अपनी धाक रखने वाला पिज्जा की दुनिया का सुप्रसिद्ध नाम लजीज पिज्जा खुल गया अब आपके शहर रामगढ़ में। रामगढ़ कॉलेज गेट के समीप खुले लजीज पिज्जा में वेज, नॉन वेज, क्लासिक एंड एक्जोटिक पिज्जा के अनेकों वैरायटी के साथ आइसक्रीम, कॉफी, स्नैक्स, सैंडविच, बर्गर, ग्रिल सैंडविच घर बैठे बस एक कॉल पर पाएं। होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 6202893511, दूसरा नंबर 06553296016। न्यूजीलैंड्स चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजीलैंड्स में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो
व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है